ये पायलट का V7 कार्ट्रिज है और ये V7 टैंक है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है इस पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। जो जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसे कार्ट्रिज क्यों बोला जाता है, इसको टैंक क्यों बोला जाता है, ये भी आपको बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको दोनों को ओपन कर लिया है। ये V7 कार्ट्रिज वाला है और ये V7 टैंक वाला है। इसको हम खोलेंगे ना, खोलेंगे तो इसको बिल्कुल दोनों का अगर हम खोलें तो सेम ऐसे ही निकलेंगे, बिल्कुल सेम। इसमें देखने पे कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, मगर हम जब इसको अंदर से पीछे से ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक कार्ट्रिज सा नज़र आएगा। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कार्ट्रिज सा दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में ये निकल जाता है और जिससे क्या कहते हैं, आसानी से इसके अंदर इंक होती है और ये आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कई बार होता है काम करते करते इंक ख़त्म हो जाती है तो हमें दूसरा इंक की काम करने के लिए तो इंक की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मार्केट के अंदर कार्ट्रिज अवेलेबल होता है, वहाँ से आप परचेज करके इसके अंदर लगा के यूज कर सकते हैं, यूज करके लगा सकते हैं। देखिए ये काफ़ी टाइट फिट हो गया तो इसमें से इंक नहीं निकलेगा। और इस लगाने के बाद इसका ढक्कन पीछे से लगा दें, ये देखिए। अच्छा, टैंक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है पीछे से खुलता नहीं है, ये पूरा एक टैंक होता है। इसके अंदर पूरी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंक भरा होता है। और इसको इंक डालने का एक तरीका भी होता है, जैसे यहाँ से अगर आपको इंक डालना है तो आप ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसे किसी से पकड़ के खींच दे तो ये पूरा हिस्सा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आप इसके अंदर इंक डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डेमो भी दिखा रहा हूँ। चलने के लिए पायलट गन बिल्कुल स्मूथ चलते हैं और इसमें क्या कहते हैं, कहीं भी आपको इंक डॉटर छोड़ेगा नहीं और बिल्कुल एक लाइन में चलते हैं पेन। और ये देख रहे हैं आप, दोनों ब्लू और ब्लैक दोनों को चला रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ चलता है पेन। और इससे क्या कहते हैं, आजकल पेपर का टाइम आ रहा है, आपकी स्पीड, अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है तो इस पेन को लेके अपने पेपर में स्पीड बना सकते हैं, स्पीड जल्दी पेपर कर सकते हैं। जो जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।